हेलो एवरीवन, ग्रेड 3 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 कॉमा। वी हैव सीन डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स राइट, एंड वन ऑफ देम वाज कॉमा। सो दिस चैप्टर इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमा राइट, वेयर टू यूज कॉमा, व्हेन टू यूज कॉमा, हाउ टू यूज कॉमा। रीड दिस सेंटेंस। रोहन वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर। ही बॉट टोमेटोज, पोटैटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स। रोहन एक ग्रोसरी स्टोर में गया और उसने ये सारे सामान खरीदे। वी सी दैट कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट द नेम ऑफ थिंग्स दैट रोहन हैज़ बॉट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। रोहन ने जो जो सामान उसने ग्रोसरी स्टोर से खरीदे राइट, टोमेटोज, पोटैटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स, इन सारे सामान को अलग करने के लिए यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है। सी, लेट अस रीड सम मोर एग्जांपल्स। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, हेमा, वरुण, शालू एंड जय आर एब्सेंट। इतने स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट है। देयर नेम्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा। एंड नोटिस वन थिंग, नो कॉमा इज यूज बिफोर एंड। जहाँ एंड लिख रहे हैं उसके आगे कॉमा नहीं लिखना है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, वी डोंट पुट अ कॉमा बिफोर एंड। लिस्ट तो लिख रहे हैं, नाम और सब हम सेपरेट करने के लिए कॉमा तो यूज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट नेम लिखने से पहले जब हम एंड लिखते हैं उसके आगे हमें कॉमा नहीं लगाना है। हियर कॉमास आर यूज टू सेपरेट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर एबसेंट। वेन देर आर मोर देन टू सिमिलर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वी पुट कॉमास टू सेपरेट देम। दिस इज द यूज ऑफ कॉमा। कॉमा क्यों यूज करते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है। कब यूज करना है कॉमा वो लिखा है। कब यूज करना है, जब दो से ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स हो सेंटेंस में तब हमें कॉमास यूज करने हैं। जैसे हेमा, वरुण, शालू, जय, ये सब ह्यूमन नेम्स है राइट, सो दे आर सिमिलर थिंग, सो दे आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। एंड दे आर ऑल्सो मोर देन टू। अगर टू हो तो हम उसे एंड के हेल्प से सेपरेट करते हैं, बट इफ देर आर मोर देन टू वी यूज कॉमा। हियर इज वन एक्सरसाइज, लेट अस सॉल्व दिस। पुट कॉमास वेर यू थिंक दे आर नीडेड। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें कॉमा लिखना है। माई मदर इज़ ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट एंड अ गुड कुक। यहाँ मम्मी की तारीफ की है राइट, थ्री वर्ड्स आर यूज, सो फर्स्ट टू वर्ड्स आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा, ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट। सेकेंड वन, दिया, पिया, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द गार्डन। दीज आर द ह्यूमन नेम्स एंड द नेम्स आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। दिया, पिया, सोनिया एंड मीना आर प्लेइंग इन द गार्डन। आई कैन प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड हॉकी। दीज आर द नेम ऑफ गेम्स हियर, सो दे आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। एंड ध्यान देखो, ध्यान से देखो, एंड के आगे कॉमा नहीं लगा है। फोर्थ वन, फॉर लंच आई वॉन्ट राइस, केक्स, वेजिटेबल करी एंड डेजर्ट। हियर दे आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, राइस, केक, वेजिटेबल करी एंड डेजर्ट, ये सिमिलर वर्ड्स थे, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, बट वाई हैव आई यूज्ड कॉमा हियर। सो हमने जैसे पंचुएशन मार्क्स के वीडियो में देखा था, वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज पॉज इन अवर सेंटेंस, जब भी हम ब्रेक लेते हुए सेंटेंस बोलना चाहते हो उस टाइम हमें कॉमा लगाना चाहिए। फॉर लंच आई वॉन्ट राइस, ऐसे नहीं, फॉर लंच आई वॉन्ट राइस, ये दोनों के बीच में मैंने पॉज लिया है, सो आई हैव यूज्ड कॉमा हियर। फिफ्थ वन, माई फादर हैज़ विजिटेड फ्रांस, इंग्लैंड एंड जापान। फ्रांस एंड इंग्लैंड आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। सिक्स्थ वन, पायल, रिनीता, जय एंड जीत आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेस। हियर द नेम्स आर अगेन
सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। एंड वन मोर थिंग, आपको नोट ये करना है कि जब भी हम कॉमा यूज़ करते हैं तब रीड करने के टाइम कंटिन्यूस रीड नहीं करना है, जब भी कॉमा हो उस टाइम हमें 1 सेकेंड पॉज लेना है। पायल, रिनिता, जय एंड जीत, ऐसे नहीं रीड करना है, पायल, रिनिता, जय एंड जीत, राइट। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।